So good evening and namaste friends, welcome back to the channel. Today's video is going to be about an option selling strategy. So the name of the strategy is bear condo strategy. Again, it's a very simple strategy. Jaise hum karte aa rahe hain, simple strategy rakhte hain. Ye maine strategy deploy ki thi last week bank nifty pe. Actually I was bearish on bank nifty, so mera view tha bearish, lekin market hamare against chala gaya. Against matlab market bearish to tha hi, but it went sideways to bearish. Hamara view galat gaya, so we were not able to make big profits in the strategy, but we were able to manage it. उसको एडजस्ट किया तो बिना किसी लॉस के उसमें से हम बाहर आ सके. बड़े प्रॉफिट्स तो नहीं बने, लेकिन हाँ बिग लॉस भी नहीं हुआ. वी वेर एबल टू कम आउट ऑन अ ब्रेक इवन. स्ट्रेटजी के बारे में बताने से पहले थोड़ा बता देता हूँ कि हाँ हमारा थोड़ा सा हमारे फेवर में गया था जब हमने स्ट्रेटजी ली थी. इनिशियली हमारे मार्केट हमारे फेवर में गया था, बट एक पॉइंट के बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गया और वो जोन में रह गया. एडजस्टमेंट किए तो थोड़ा हेल्प हो गया और हम वहाँ से ब्रेक इवन में बाहर आ गए. तो अगेन वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. मैं ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल रखूंगा और ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो बिगिनर्स भी कर सकते हैं, जो बेसिकली बिगिनर्स करेंगे और वो उसमें धीरे धीरे वो उसमें एडवांस होते जाएंगे. जैसे जैसे वो खुद करेंगे, जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो एडवांस होते जाएंगे. सो और आज के इस वीडियो में दूसरा डिस्कस करेंगे जो मैंने एडजस्टमेंट किया. मैंने सिर्फ एक ही बार एडजस्टमेंट किया. तो बेसिकली स्ट्रैटेजी मैंने 22 को डिप्लॉय की थी, 22nd of September 2023 को डिप्लॉय की थी और एक दिन एडजस्टमेंट किया उसमें 26th को, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया एज इट इज. एग्जैक्ट क्या किया, कहां पे, कौन से लेवल पे किया, उसको हम सिमुलेट करेंगे आज. अगेन एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स. और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो को पहले ऐसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं. सब्सक्राइब तो कर रहे हैं आप, मैं देख रहा हूं सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियोस बनाने का. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले. शुरू करते हैं वीडियो. सो बेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, जैसे मैंने बताया इसमें एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, एज अ बिगिनर आप कर सकते हैं इसमें काम. अगेन जैसे स्ट्रेटजी हम बनाते हैं उसके पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि स्ट्रेटजी हम जब डिजाइन करते हैं, बेसिकली स्ट्रेटजी बिल्डर में हमें डिसाइड करना है हमारा रिस्क क्या रहेगा, हमारा रिवॉर्ड क्या रहेगा. तो जिस तरह से हम रिस्क रखेंगे, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, वो प्रोबेबिलिटी का गेम है. काफी सारी चीजें हैं, इसका सब कॉम्बिनेशन बना के हम स्ट्रेटजी बनाते हैं. सो अभी फिलहाल जो हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी ओपन कर रखा है चार्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो मैंने एरो बनाया है, ये पहला एरो, ये फर्स्ट एरो है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया. डेली टाइम फ्रेम पे है, मार्केट ने एक बढ़िया अप मूव दिया है, बहुत बढ़िया अप मूव. उसके बाद ये एक डाउन मूव आया है, ये भी बहुत बड़ा डाउन मूव आया. तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन का जो जो अप मूव था वो 3 दिन में एक पूरा कवर कर लिया रेंज, और ऑलमोस्ट इसके इस सपोर्ट एरिया में आके मार्केट रुक गया. सो बेसिकली इस एरिया में आके मार्केट रुक गया. एनीवेज इस कैंडल पे जब मार्केट था तभी हमने डिसाइड किया कि मार्केट शायद और नीचे जा सकता है, मार्केट और नीचे गिर सकता है. डिसाइड किया कि हमें हम बेरिश होने वाले हैं, और हमने आवरली पे दिखाता हूँ आपको अच्छे से समझेगा. तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर जाने की वापस कोशिश कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, वापस अगेन नीचे आ रहा है, वापस यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, वापस नीचे आ रहा है. तो जब ये लेवल पे आया मार्केट, तो आई डिसाइडेड कि नहीं, हमें हम बेरिश हो जाएंगे, हम नीचे की तरफ जाएंगे, और ये जो सपोर्ट है ये हमारा लेवल था. मतलब हमारा अंदाजा था कि इस एरिया में आके मार्केट कहीं ना कहीं हॉल्ट ले सकती है, ऐसा हमारा व्यू पॉइंट था. जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, लेटर ऑन आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद क्रिएट करनी है, रिस्क रिवॉर्ड आपको खुद डिसाइड करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा आपको डिसाइड करना है. और जो मैंने ये लास्ट वीक लिया था, मैंने लास्ट वीक जो बनाया था वो मैं आपको उसका सिमुलेशन रन करके दिखाऊंगा, और एग्जैक्ट स्ट्राइक्स क्या थे और एडजस्टमेंट मैंने कब किया था और रिटर्न्स क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ. सो बेसिकली अभी हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रैटेजी हमें क्या कब करनी है, तो ये एक डायरेक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है. तो मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपका ये पुट साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, सो अभी डाउन साइड मतलब यहाँ पे अगर डाउन साइड आ रहा है, इस तरफ ऐसे नीचे आ रहा है, तो हम पुट साइड काम करेंगे. अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ व्यू है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम लेते तो हम बुल कॉन्डोर, बुलिश कॉन्डोर लेते हैं हम अगर यहाँ पे करते, तो यहाँ पे हमने किया तो बेरिश काउंटर किया हमने. हमारा डाउनसाइड का व्यू है तो हम ये स्ट्रैटेजी करेंगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा हमारा जो रेंज रहेगा वो हम रेंज डिसाइड कर लेंगे. हमने रेंज डिसाइड कर ली, यहाँ पे डाउनसाइड में इस लेवल तक आ सकता है ये हमें पता है, और अपसाइड का तो हमें कोई लेना देना नहीं है, अपसाइड का कोई लेना देना नहीं है, नीचे आएगा ये हमें पता है, डायरेक्शन हमें पता है. और अपसाइड अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है तो अपसाइड जाएगा, लेकिन अपसाइड में हमारा जो लॉस है वो हम लिमिटेड रखेंगे, तो कहीं भी जाए अपसाइड अपने को एक लॉस के ऊपर लॉस नहीं होने वाला है. तो उस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काम करती है. सो हमारा जो रेंज रहेगा उस बेसिस पे हम स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे एज यूजुअल. जो एडजस्टमेंट है वो एकदम सिंपल है, एडजस्टमेंट एक ही एडजस्टमेंट करना है. मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ उसमें मार्केट हमारे अगेंस्ट गया है. सो अगर हम इस सपोर्ट के बदले, अगर इस सपोर्ट पे मैंने अगर काम किया रहता था, इसको अपने रेंज में रखा होता था, तो शायद हम बेटर पोजीशन पे होते प्रॉफिट्स बुक करने के या एडजस्टमेंट करने के.
ये इस लेवल पे मार्केट क्या है, जल्दी आया इस लेवल पे, जल्दी ये लेवल्स का अगर स्ट्राइक सिलेक्ट किया होता ना तो मार्केट जल्दी हमें प्रॉफिट दिखाता, जल्दी प्रॉफिट दिखाता, हमारा जो स्ट्राइक है वो जल्दी एट द मनी इन द मनी आता, तो हमें जल्दी इसमें एडजस्टमेंट करने का मौका मिलता और शायद हम हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो लॉक कर देते और इसे हम काइंड ऑफ जीरो लॉस ट्रेड बना देते, जैसे हम आयरन फ्लाई में और पहले के हमने जो बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज की है उसमें हमने बनाया है, उस तरह से हम कर सकते थे। सो एनीवेज इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हमने ये किया ही नहीं है तो मैं इसे डिलूट कर देता हूँ और जो हमने किया है काम उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बेसिकली हमने पहले कैसे क्रिएट किया वो मैं बता देता हूँ। सो इसमें हम कैसे काम करेंगे, हम इसमें चार स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, चार स्ट्राइक प्राइस में काम होगा। हम सारा जो है अगर हम बुल बना रहे हैं, बुल साइड में बना रहे हैं, सॉरी अगर हम बेरिश कॉन्डोर बना रहे हैं तो सब हम पुट साइड में काम करेंगे। पी सारे स्ट्राइक प्राइस हम जो सिलेक्ट करेंगे वो पुट साइड के रहेंगे। अगर हम कॉल साइड में बना रहे हैं, ऊपर की तरफ बना रहे हैं, तो हम सारा कॉल साइड में काम करेंगे, राइट। अभी हम कौन सा स्ट्राइक्स लेंगे, चलते हैं सीधा स्टॉक मॉक पे। स्टॉक मॉक पे आ गए हम लोग, यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर ली है, 22nd फ्राइडे को मैंने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की, तो मैं सीधा 3-3 बजे के आसपास चलता हूँ। 3:25 के आसपास ये डिप्लॉय किया मैंने। जो पहली स्ट्राइक मैंने बाय की थी वो थी 43,000 पुट, 43,000 पुट बाय किया है। उसके बाद मैंने सेल किया है 43,000, के बाद सेल किया 43,800 और यहाँ पे मैंने बाय किया है 44,200। सो इस तरह से हमारा जो पे ऑफ चार्ट है वो दिखेगा। मैं आपको फिर से एक बार स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा 44,600 पे हमारा स्पॉट है, स्पॉट से 400 पॉइंट्स दूर हमने बाय किया है फर्स्ट लेग, ये हमारा स्पॉट है, यहाँ से 400 पॉइंट्स हमने दूर बाय किया है हमारा फर्स्ट बाय लेग। सो बाय लेग हमने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद 400 पॉइंट्स दूर हमने एक सेल लेग किया है 44 रुपीज़ का प्रीमियम के साथ, उसके बाद एक और सेल लेग यहाँ पे 19 रुपीज़ प्रीमियम, उसके बाद अगेन एक और बाय यहाँ पे हमने किया है। सब ये 400 पॉइंट्स के गैप में है, 400 पॉइंट्स के गैप में हम ये बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऐसा दिखेगा। मार्केट इस रेंज में कहीं भी क्लोज होगा तो हमें प्रॉफिट देगा, जो मैक्स प्रॉफिट है वो है 5,200 और जो मैक्स लॉस है वो 774। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, हमारा व्यू गलत हो जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हमें लॉस होगा मैक्स टू मैक्स, वो है 774। और अगर ऊपर की तरफ और अगर हमारे फेवर में निकलता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ का मतलब था कॉल साइड में, और अगर पुट साइड में जाता है, हमारी फेवर में चलता है पुट साइड में और हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है इस तरफ, तो इस तरफ भी हमें जो लॉस है वो बहुत बहुत बड़ा, अगर मार्केट ने बहुत बड़ा रेंज कवर किया तो हमें वो लॉस दिखेगा, अदरवाइज लॉस दिखेगा भी नहीं, हमें प्रॉफिट ही होगा। इस तरफ अगर आया तो हम अगेन इस तरफ की एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है मार्केट को इतना बड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा जो कि वीकली में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है बट डिफिकल्ट है। सो ये समझ गए आप स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा सा क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम इसको थोड़ा और नजदीक भी ला सकते हैं। इसको नजदीक लाने के लिए क्या करना है, बस एक एक स्ट्राइक कम करते जाना है। तो 44,200 है तो हम यहाँ पे कर देंगे 44,300, सॉरी यहाँ पे 44,300 कर दिया, इसको भी कर दिया आगे, इसको भी कर दिया आगे, इसको भी कर दिया आगे, तो ऐसे आगे करेंगे तो हम क्लोजर आ जाएंगे और यहाँ पे लेकिन हमारा लॉस बढ़ जाएगा। अब देखो लॉस हमारा हो गया 948, ये प्रॉफिट है 5,052 हो गया, लॉस हो गया 948। और इसको आगे करेंगे वो भी कर सकते हैं हम, ये सब ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा किया था तो यहाँ पे देखिए मेरा लॉस बढ़ गया 1135 हो गया और प्रॉफिट है वो 8 अगेन यहाँ से कट गया 4,864। अगर मैं ये लेवल पे करता तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होता, फुल प्रॉफिट से होता 4,864। लेकिन मेरा जो व्यू था, मैं इस लेवल को एज अ सपोर्ट मान रहा था, मैंने सोचा था कि इस लेवल तक आ जाएगा मार्केट, उसके बाद कहीं ना कहीं हॉल्ट लेगा, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, हॉल्ट लेगा और उसके बाद तब तक एक्सपायरी डेट आ जाएगी और फुल प्रॉफिट्स हमें हो जाएंगे। लेकिन मार्केट हमारे लेवल से ऊपर इस वाले सपोर्ट पे ही मार्केट ने अपना हॉल्ट ले लिया, इसी पे बेस बनाया, यहीं पे हॉल्ट ले लिया, यहीं पे कंसोलिडेट होने लगा। अगेन चलते हैं स्टॉक मॉक पे, अगेन हाँ अगेन अभी जो मैंने लिया था एग्जैक्टली मैं वो वाले लेवल लगा देता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ा ईजी हो। तो 44,200, यहाँ पे 43,800, यहाँ पे 43,400, यहाँ पे 43,000। सो ये हमें कितने में पड़ा वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, 9.30,
ये हमें पड़ा 17.50, ये पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 41.05 और ये पड़ा हमें 100 रुपीज़ एंड 30 पैसा। सो ये हमारा इनिशियल पे ऑफ चार्ट था जो हमने डिप्लॉय किया। अच्छा, मैं अपने लॉट्स भी अपडेट कर देता हूँ। मैं तीन तीन लॉट में मैंने काम किया, 3 लॉट्स ईच। या जो 3 लॉट्स में हमने काम किया, हमारे मैक्स लॉस हो रहा था 2297, मैक्स प्रॉफिट हो रहा था 15702। सो ये हमारा स्ट्रक्चर था। अभी सीधा चलते हैं नेक्स्ट डे पे। अगर हम देखें 2 आवर्स में मैं आगे बढ़ूंगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इस एरिया में दिखेगा, आपको यहाँ पे देखना है। सो नेक्स्ट डे हमने देखा मार्केट हमारे फेवर में आ गया था, तो हमें 777 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इनिशियली। लेकिन उसके बाद अगेन मार्केट वॉज साइडवेज, एक्चुअली साइडवेज था, इसलिए ये अप डाउन हमारा प्रॉफिट होता रहेगा, हमें दिखता रहेगा। जैसे कि हम आगे 26 सितंबर को हमने एडजस्टमेंट किया अराउंड 145, तो अभी मैं 145 पे आ जाता हूँ सीधा, 130 145। तो ये जब भी हमारा अराउंड 902 रुपीज़ का लॉस चल रहा था, अभी हमने एडजस्टमेंट किया। और क्या एडजस्टमेंट किया वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ऊपर के 2 लेग्स हैं इसे कर दिया क्लोज कम्प्लीटली। ये जो क्रेडिट स्प्रेड है बेसिकली, ये क्रेडिट स्प्रेड है राइट, 43,400 का पुट हमने सेल किया है, 43,000 का पुट हमने बाय किया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट हमने कर दिया बुक, और ये वाला लेग्स हमने कर दिया एग्जिट। तो मैं वो लेग्स एग्जिट कर देता हूँ सबसे पहले। तो इसे हमने कर दिया एग्जिट। ओके, एग्जिट कितने में किया वो मैं अपडेट कर देता हूँ। मैंने इसे एग्जिट किया 3.45 में, और इसे मैंने एग्जिट किया 43,400 को 5.35 में, इसे कर दिया एग्जिट। तो हमारा स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से लगने लगा। उसके बाद मैंने 43,800 को भी कर दिया बुक, ये भी मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि इसमें प्रीमियम ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं था, सिर्फ 14.2 रुपीज़ बचा था। और यहाँ पे हमारा प्रीमियम ज़्यादा जा रहा था, 47.47 ज़्यादा प्रीमियम जा रहा था, तो इसे भी मैंने कर दिया बुक ये वाले लेग को। सो इसे भी हम एग्ज़िट कर देते हैं। इसे एग्ज़िट किया मैंने अब 11.9 में इसे एग्जिट किया, और इसकी जगह पे हमने एंट्री की एग्जैक्ट इससे एक स्ट्राइक दूर 44,100। सो ये यहाँ पे हमने एग्जिट की। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लॉस और घट गया, ओवरऑल जो लॉस हमारा था, एंट्री कर ली फिर से 44,100 पे, हमने सेल कर दिया 44,100 को। सो ऐसा हमारा चार्ट हो गया। हमें अभी हमें अपसाइड प्रॉफिट हो रहा था 3,143 और डाउन साइड लॉस हमें हो रहा था 1,356। अभी ये जो लॉस है इसे हमें कम करना था, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने राइट साइड में अपसाइड में हमने कॉल रेशियो स्प्रेड बना दिया। आपको बताता हूँ कैसे बनाया, मैंने क्या स्ट्राइक्स लिया। हमने जितना स्ट्राइक्स ये दूर था, तो ये बेसिकली 1, 2, 3, 4, तो 400 पॉइंट्स दूर हमने इस तरफ रेशियो स्प्रेड बना दिया। मैं आपको बताता हूँ रेशियो स्प्रेड। तो हमने 45,000 को सेल कर दिया, और 45,900 को हमने बाय कर दिया। अभी जो सेल किया उसमें हमें डबल क्वांटिटी करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेशियो स्प्रेड है, तो इसे हमने 6 कर दिया। ओके, यहाँ पे एंट्री इसकी हुई थी हमारी 68.9, और जो बाइंग थी वो हमारी थी 98 रुपीज़ में। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो एंड में इस तरह से दिखने लगी। एडजस्टमेंट के बाद हमारी रेंज भी बड़ी हो गई, इस तरफ हमारे पास 45,100 तक की रेंज थी, और जो हमारे फेवर में जाए मार्केट तो हमारे पास हमें नो लॉस जोन में थे हम। अगर ऊपर अगर मार्केट नीचे जाती तो हम नो लॉस जोन में थे, ऊपर जाती तो हम 45,100 तक सेफ थे। सो 45,100 तक जाना डिफिकल्ट दिख रहा था, हम इस एरिया में थे ऑलरेडी, नीचे की तरफ थे हम 44,650 के आसपास थे, और
ये थोड़ा टफ दिख रहा था ऊपर की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करते जा रहा था. सो हम जैसे कि देख सकते हैं, फिर हमारा लॉस जो चल रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 826 रुपीस था. अगेन हम रन करते हैं नेक्स्ट डे, हम चलते हैं अगेन. सो जैसे मार्केट आगे बढ़ा वो लॉस हमारा घट गया, और हमारा नेक्स्ट डे देखिए 27th को हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 623 रुपीस. अगर हम चाहें, अगर एनी टाइम एडजस्टमेंट के बाद, ये रिकमेंडेड है एक्चुअली, एडजस्टमेंट के बाद अगर आप लॉस में हैं और आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, आपके अगेंस्ट गई है मार्केट पहली बात, तो उसके बाद भी आपने एडजस्ट करके अपना ट्रेड बचा लिया, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ये लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हैं. लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने बोला नहीं हमें होल्ड करना है, बिकॉज बहुत बड़ी रेंज थी हमारे पास, तो डिसाइड किया होल्ड करने का. निकल सकते थे लेकिन हम नहीं निकले. एनीवेज चलते हैं, देखते हैं डे लेटर हाफ में क्या होता है. तो डे लेटर में मार्केट ने हमें अच्छा दिखाया, अभी 1200 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, हमने नहीं लिया, मार्केट रेंज बाउंड था. दिन भर इसी रेंज में चलता रहा, 500-600 इसी रेंज में चलता रहा, और थर्सडे को थर्सडे को मार्केट समवेयर यहाँ पे क्लोज हुआ 44,281 के आसपास, और अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में क्लोज हुए. मतलब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप सिचुएशन था, अगर मैं ब्रोकरेज वगैरह पकड़ूँ तो. सो जो हमारा जो एग्जैक्ट हुआ था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा एग्जैक्ट मेरा प्रॉफिट 201 रुपीज़ हुआ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो मैंने आपको जो अमाउंट सब लिख के बताया वो यहाँ पे हैं सारे, चेक कर सकते हैं हम. और एंड में हम 201 रुपीस के प्रॉफिट के साथ एग्जिट हुए हैं इस स्ट्रैटेजी से. सो ये था हमारा लास्ट वीक का ट्रेड, बेरिश कॉन्डोर. सो बेरिश कॉन्डोर हमने बताया, लेकिन हमने कौन सा सिचुएशन पकड़ा है जिसमें ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है. तो अगेंस्ट जाता है तो हम क्या करना है, हमें रेशियो स्प्रेड एक बना देना है ऑन द ऑपोजिट साइड. अगर हम कॉल साइड में हैं, मतलब हमने बुलिश कॉन्डोर बनाया है, तो हमें पुट साइड में बनाना है रेशियो स्प्रेड. अगर हमने पुट साइड में ये बनाया, हमने अगर बेरिश कॉन्डर बनाया है, तो हमें कॉल साइड में रेशियो स्प्रेड बनाना है. सो एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है. वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो और मे बी नेक्स्ट वीक जब भी मैं एक और बार इस तरह का बेरिश कॉन्डर या बुलिश कॉन्डर जैसे भी मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है कि किस तरफ मार्केट जा रहा है, उस हिसाब से मैं बनाऊंगा. और अगर हमारे फेवर में गया तो हमें उसमें कैसे करना है एडजस्टमेंट, फेवर में जाएगा तो कैसे हमारा प्रॉफिट हमें लॉक करना है, ताकि हमें 100% प्रॉफिट एंड जीरो लॉस ऐसा हमारा स्ट्रक्चर हम बना सकें जैसे हम प्रीवियसली बनाते आए हैं. सो वो हम देखेंगे, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं बनाऊंगा, या फिर मैं अगर आप बोलते हो तो मैं सिम्युलेट कर लेता हूँ जो प्रीवियस अर्लियर जो डेज हैं उसके वीडियोस ये कर लेता हूँ. या अगर आपको लाइव ही देखना है, जैसे मैं लाइव ट्रेड कर रहा था, मैंने लाइव ट्रेड लिया था लास्ट वीक इस स्ट्रैटेजी में, तो उस तरह से करना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.